हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कौशिक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या आपके घर में जो भी एलपीजी सिलेंडर है उसकी एक्सपायरी डेट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जैसे ने पहले आपने अभी भी स्टार्टिंग में फ़ोटो देखा है, जो ये अभी आपके सामने लोगों पर मैंने क्लिक कर रखा है, यही डिसाइड करता है कि आपका सिलेंडर कब एक्सपायर हो रहा है, कैसे एक्सपायर हो रहा है। तो इसको डीपली स्टडी करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एलपीजी सिलेंडर्स बनते हैं, मैनुफैक्चरर्स होते हैं, प्रॉपरली हमारा बी आई एस डिसाइड करता है, बी आई एस इसको सर्टिफाई करता है, बी आई एस इसको क्या कहते हैं चेक करता है, रिलीज देता है कि इतने सिलेंडर से इस नंबर सिलेंडर आपके पास हो चुके हैं, इसको आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। टेस्ट होते हैं हर सिलेंडर टेस्ट होने के बाद ही मार्केट में आता है। बी आई एस मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन में हर किसी भी सिलेंडर को क्या कहते हैं कि कब एक्सपायर होगा, उसके लिए चार वर्ड चार अल्फाबेट डिसाइड किए हैं। इसके लिए हमारा क्या कहते हैं जो हमारा अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स होता है कि हमारा जिस महीने में मंथ में सिलेंडर मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके हिसाब से बीआईएस ने चार अल्फ़ाबेट्स डिसाइड किए। तो उसके बाद हमारा जैसे से अगर हमारा सिलेंडर जनवरी फेबररी मार्च में बन रहा है तो हमारा ए लोगो लगेगा। अगर अप्रैल मई जून में मैनुफैक्चर हो रहा है तो बी लगेगा। जुलाई अगस्त सितंबर में लग रहा है तो सी लोगो लगेगा। और अगर आपका सिलेंडर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में हो रहा है तो डी लगेगा। तो अब आपको पता चल गया क्या कहते हैं हर एक वर्ड को, हर एक अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं कि हर एक जैसे हमारे मंथ होते हैं 12 को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले तीन मंथ को ए, लास्ट वाले आगे वाले तीन मंथ को बी, ऐसे डिसाइड किया गया। तो उसके बाद चलिए चलते हैं कि आपका एक्सपायर डेट एक्सपायर्ड ईयर कैसे, मंथ तो आपका डिसाइड हो गया कि ए बी सी डी उसके हिसाब से जो भी लगेगा उसी मंथ के बाद। जैसे ए लगा दिया हमने तो पहले तीन मंथ के बाद फोर्थ मंथ आएगा जो उसमें आपका सिलेंडर एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आता है एक्सपायर्ड ईयर। तो एक्सपायर्ड ईयर के लिए का कैसे निकालते हैं मैन्युफैक्चरिंग ईयर, जैसे हमने एक्सपायर्ड ईयर का फॉर्मूला लगाया, हमें मैन्युफैक्चरिंग ईयर प्लस 10 ईयर्स जिस भी ईयर में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको मैं प्लस ऐड करा देंगे 10 ईयर्स का। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2018 रनिंग में है तो हमारा अगर एक्सपायर्ड डेट निकालेंगे एक्सपायर्ड ईयर निकालेंगे तो कितना होगा 2028। तो अब आप सिलेंडर देखेंगे 2018 का बनेगा तो उसमें लोगो लगा मिलेगा आपको A28। तो इसका मतलब हुआ आपका सिलेंडर फोर्थ मंथ 2028 में सिलेंडर आपका एक्सपायर हो जाएगा पहले ही डेट से। अगर आपके पास ऐसा ही कोई सिलेंडर है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पड़ा हुआ अभी मिलेगा क्या कहते हैं अभी फिफ्थ मंथ चल रहा है तो आपके पास ए एटीन का कोई सिलेंडर हो तो ये सिलेंडर आपका रिजेक्ट हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है। इसका आप कभी भी अपने सिलेंडर को एलपीजी वाले से ना लें क्योंकि सिलेंडर कभी भी फट सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ओके दोस्तों, और अब इसके बाद क्या कहते हैं एक्सपायर्ड ईयर के बाद ये तो नहीं कि सिलेंडर ख़राब हो जाता है, लेकिन इसके बाद आपका सिलेंडर रीवर्क होता है। रीवर्क होने से उसकी सारी लीकेज वीकेज सब कुछ चेक किया जाएगा दोबारा से। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरी तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर के बारे में आप कुछ भी चाहिए आपको जानकारी में तो आप मेरे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी को भी अपने दोस्तों को सबको शेयर करें ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।